अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए मैंने आपसे कोई मज़े का ब्रेकफास्ट और इजी सा वाला शेयर नहीं किया, तो आज आपसे ये शेयर कर लेते हैं। इजी सी रेसिपीज हैं, बहुत क्विक बन जाती हैं। बच्चों के लिए तो मैं सिंपल ब्रेड पिज्ज़ा बना रही हूँ और बाकी मैं बना रही हूँ कस्टर्ड ब्रेड स्लाइसेस। और ये कस्टर्ड ब्रेड बहुत मज़े की बनती है। मैंने दो अंडे लिए हैं और इसमें मैं डालूंगी योगर्ट, टोटल 6 चम्मच। अगर आपके पास जो दही है वो थिक नहीं है तो थोड़ी देर उसे छलनी में या किसी कपड़े में डाल के रखते हैं तो थोड़ा सा पानी उसका निकल जाएगा, फिर वो थिक क्रीमी सी हो जाएगी। इसके अंदर मैंने चीनी भी डाल दी है, वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है और ये एक्सीडेंट भी हो गया है। इसको हमने ना अच्छी तरह से विस्क कर लेना और बस ये फिलिंग तैयार हो गई है। साथ साथ ब्रेड पिज्जा बनाने की भी मैं तैयारी कर रही हूँ। कस्टर्ड ब्रेड बनाने के लिए मैंने दो दो ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, क्योंकि कस्टर्ड जो है ना वो लिक्विड है जाहिर है, तो वो फिर एक ब्रेड में से ना सारा निकल जाएगा और फिर ना वो वाला टेस्ट और फ्लेवर आपको, मतलब जो टेक्सचर है ना वो मज़े का नहीं मिलेगा। सो हमें चाहिए थिक लेयर कस्टर्ड की, जिस वजह से दो ब्रेड्स ले लिए मैंने और इनको अच्छी तरह से ना सेंटर में प्रेस कर दिया फॉर्क की हेल्प से, और इसके अंदर अब हम फिलिंग डाल देंगे। मैंने सोचा तो ये था 6 में पूरी आ जाएगी, लेकिन चले 5 में पूरा आया। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लबना लगा दिया और साथ में ऑलिव्स डाल दिए, तो एक तो हमारी ये ब्रेड हो जाएगी ना। कस्टर्ड की ये लेयर काफी थिक है, जितना आप उसको अच्छे से प्रेस करेंगे ना उतना ज्यादा कस्टर्ड इसमें आएगा। ब्रेड को आपने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। इसके ऊपर मैंने डाल दिए ब्लूबेरीज और ग्रेप्स, आप इसके ऊपर एप्पल, बनाना या पीच, कोई भी चीज आपका फेवरेट फ्रूट जो है ना वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं और ढेर सारा डालें और इंजॉय करें। अवन को 180 डिग्रीज पे प्री हीट किया हुआ मैंने अपर लोअर रॉड के ऊपर, दोनों मतलब ऑन करके हम इसको बेक कर लेंगे 5 से 6, 7, 8 मिनट, डिपेंड करता है कि जब ये कस्टर्ड हिलना बंद हो जाए, ट्रे को हिला के देखें तो जब ये सेट हो जाएगा तो बस ये ब्रेड रेडी हो गई है। बच्चों के लिए भी पिज्जा तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास क्रीम चीज है तो आप वो लगा दें, मैंने इसके ऊपर लबना लगा दिया और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था। लबना ब्रेड ना बहुत टेस्टी लगती है जब बेक होती है। इसके ऊपर मैंने सॉसेजेस डाल दिए हैं क्योंकि मैं इनको फिनिश कर रही हूं ना, तो हर रेसिपी में यूज करके जो पैकेट्स ला के रखे हुए थे खत्म हो रहे हैं। लेकिन आप पता क्या करें, स्क्रैम्बल्ड एग इसके ऊपर डाल दें, बड़ा मजा आएगा बच्चों को। साथ में मैंने ऑलिव्स डाल दिए हैं, केचप डाल दी है और मोजरेला चीज डाल रही हूं। गाइज इट्स नॉट कुक्ड येट, ते हमें मिशी ये मैं आई हूँ और मैंने इनको पकड़ लिया है। छोड़ो भागो, ते हमें जाओ यहाँ से, देखो तो इनके काम क्या कर रहे थे, दोबारा करो जरा देखो तो चीटर्स। बच्चों का जो पिज्जा है इसको मैं एयर फ्रायर में कर लूंगी। एयर फ्रायर को मैं प्री हीट नहीं करती, डायरेक्टली इसके अंदर जो भी चीज रखनी होती है रख लेती हूँ 180 डिग्रीज पे ही। इसको भी मैं 7-8 मिनट के लिए रखूंगी, लेकिन चेक करती रहूंगी। एयर फ्रायर में रिलेटिवली जल्दी बन जाती हैं चीजें। ये जो पिज्जा है और जो मैं नीचे ये कस्टर्ड वाली ब्रेड रखी हुई ओवन में ना, ये दोनों क्रंची बनते हैं, तो ये आपने माइंड में रखना और बहुत टेस्टी बनते हैं। जितना क्रंच आएगा उतना आप एंजॉय करेंगे। साथ में इसके ऊपर मैं हनी ड्रिजल करूंगी ताकि बिल्कुल वो ना क्रीमी से तो है कस्टर्ड, लेकिन फिर ड्राई ना लगे, साथ में हनी भी हो। और ये है जी फाइनल लुक, माशाल्लाह कितनी अच्छी आई है। आप ये बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपने कितने मजे की चीज बनाई है। आप इसको सिंगल ब्रेड से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिंगल से आप बना नहीं सकेंगे। सो आप दोनों तरह से ट्राई करके देखें, जो पसंद आए वो फॉलो करें। आजकल चूंकि मौसम अच्छा होता जा रहा है ना, तो बेकिंग वाली आइटम्स खाने का बहुत मजा आता है। गर्मा गर्म निकाल के अवन से और सर्व करें और उसके साथ चाय पिएं तो बहुत मजा आता है। ये देखें इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, बस आपने इसको ओवर बेक नहीं करना। टिप आपको दोबारा से शेयर कर देती हूँ, आप इसको अवन में रखे रखे ट्रे को हिला के देखें, अगर ये कस्टर्ड जरा सा भी हिल रहा है तो इसका मतलब है ये बेक नहीं हुआ, और अगर कस्टर्ड हिलना बंद कर दे तो इसका मतलब है रेडी हो गया, बस मजीद फिर आपने बेक नहीं करना। आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। Yeah, you can eat it all day. If it's finished, you can tell me, I'll make more for you. Uh-huh.
अगर आपने बच्चों को लंच के लिए देना है ना, स्कूल लंच के लिए, तो फिर आप इसको ओवन में बेक नहीं करेंगे, फिर आप इसको माइक्रोवेव में हीट कर लेंगे। उसकी वजह यह कि ओवन में या एयर फ्रायर में आप करेंगे तो ये क्रंची होगी ब्रेड, और फिर क्रंची होने के बाद जब सॉगी होती है ना, तो वो बहुत ही अजीब सा टेक्सचर होता है ब्रेड का। आपको मेरे ख्याल आइडिया सभी को होगा कि क्रंची होने के बाद जब सॉगी होती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सो इसलिए अगर लंच के लिए देना है तो जस्ट माइक्रोवेव करें, जिसमें ब्रेड सॉफ्ट ही रहे, बस ये कि ऊपर से चीज वगैरह मेल्ट हो जाए, बाकी तो सब चीजें इसमें कुक्ड ही डली होती हैं। हम गए हुए थे मदीना सुपर स्टोर, और यहाँ से हमने चिकन लेना था, एक तो बोन्स वाला चिकन कटवा के लेना था, यहाँ पे अच्छा साफ कर देते हैं, दूसरा फिर बोनलेस चिकन लेना था जो मैंने मैरिनेट करके तो फ्रीज करना है, क्योंकि फ्रोजन को डिफ्रॉस्ट करके दोबारा फ्रीज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो इसलिए फ्रेश लेके उसको मैरिनेट करें और फ्रीज कर लें। सो इसलिए मैं यहाँ पे आई थी, फिर मैंने यहाँ से मैंगोज लिए, उसके अलावा मैंने ग्रेप्स लिए, और साथ में कस्टर्ड एप्पल लिया। कस्टर्ड एप्पल यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, कारफोर पे ना कभी भी इतना राइपेंड नहीं नजर आया है, तो मैं इंटरनेट पे देखूंगी उसको भी राइप करने का क्या तरीका है। एनीवेज यहाँ पे ना शहजाद पेमेंट करा रहे थे, वो सामने जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ना, ये नीचे शॉप है और ये बिल्डिंग, ये हमारा सबसे पहला घर था यहाँ पे UAE में, और उसके बाद अब जिस घर में रह रहे हैं वो सेकेंड है हमारा। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे, काफी टाइम के बाद वापस आए थे तो बहुत अच्छा फील हुआ। ये ब्रोकली तो घर में सिर्फ और सिर्फ मिशारी के लिए आती है, मुझे खुद भी बहुत पसंद है, शहजाद और तेहामी को बस ओके सी लगती है। सो आज मिशारी ब्रोकली खा के तो शेयर भी करेगा वीडियो में, ताकि बाकी भी बच्चे ब्रोकली खाएं, और मुझे आपके जब कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मिशारी जब भी कोई फूड खाता है कैमरा में सामने, तो फिर बच्चे उसको देख के खुशी खुशी अपना खाना खाते हैं, जो बच्चे पिकी ईटर्स होते हैं, तो माशाल्लाह बहुत खुशी होती है। हम मदर्स के लिए तो यही तो खुशियां हैं, तो जब आप खुशी खुशी मुझे कमेंट करते हैं तो मैं और मोटिवेट होती हूं, और मिशारी को भी आती हूँ, वो भी बड़ा खुश होता है। ब्रोकली को जस्ट मैंने स्टीम किया हुआ है, इसमें कोई भी लेमन सॉल्ट और या फिर ऑलिव ऑयल कुछ भी इसमें मैंने नहीं डाला हुआ। स्टीम जो वेजिटेबल्स होती हैं ज्यादातर उन पे सॉल्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा ऑयल अच्छा लगता है, लेकिन ये मैं वैसे ही स्टीम करके इसको देती हूँ, और ये माशाल्लाह से खा लेता है, स्कूल भी लेके जाता है, तो अभी देखें कैमरा खुशी खुशी सेट कर रहा है और खा रहा है। अब ये नेक्स्ट डे है, मिशारी स्कूल से आ चुका था, मिशारी को चेंज कराना था, फ्रेशन अप करना था, और उसके बाद हमने खाना खाना था। मैंने बनाई हुई थी मसर चावल, तो मैंने वो भी शेयर नहीं किया कि मसर की क्या मैं आपसे रेसिपी शेयर करूं तो कुछ डिफरेंट हो, कुछ नया हो, तब शेयर करने का मजा आता है। मिशारी को चेंज कराने के बाद मैंने कपड़े वगैरह भी कलेक्ट किए जो वॉश करने वाले थे, एक दो जो है वो हुक्स पे लगे हुए थे डोर के पीछे, और बाकी मिशारी का यूनिफॉर्म, तो बस उनको मैंने वॉश होने डाल दिया, और साथ में ये जो एरोप्लेन्स हैं इनको मैंने मिशारी की एक्सेस से दूर रखना है, क्योंकि हम फिर घूमने फिरने जाएंगे पार्क्स में, तो फिर ताकि बच्चे इसको यूज कर सके, नहीं तो मिशारी से ही टूट जाएंगे। ये ना स्टायरोफोम के बने हुए हैं। मिशारी को अभी फौरन से तो भूख नहीं थी, तो वो टीवी देखने बैठ गया। आजकल टीवी पे ना वो ड्राइंग्स बहुत शौक से करता है, और ड्राइंग की वीडियोस लगा लेता है और बैठ के ड्रॉ करता रहता है। ये अपना अपना शौक होता है, वरना जबरदस्ती नहीं बिठाया जा सकता। थे हम ही छोटा था तो ड्राइंग्स करता था, अब उसे मैं बोलती हूँ तो कहते हैं नहीं मामा मुझे शौक ही नहीं है इतना ज्यादा तो खैर जब तक मिशारी को शौक है मैं उसको इंजॉय कर रही हूँ। बहुत सारे सोनिक्स बना बना के उसने इकट्ठे किए हैं, और ड्रॉइंग माशाल्लाह काफी अच्छी उसकी हो गई है। एनीवेज तो मैं आ गई थी कि इसकी फॉइल जो है ना दूसरी इस पे लगा देती हूँ स्टोव टॉप पे। ये जो पिछली फॉइल थी ना वो हफ्ते की बजाय भी 2 हफ्ते तक ठीक रही थी, तो बस ऊपर से तो साफ हम करते ही रहते हैं ना, लेकिन क्या होता है कि कभी कोई फॉइल कहीं से फट जाए या कुछ नाइफ लग जाए या कुछ भी हो जाए, तो फिर ये डर होता है कि कोई भी मॉइस्चर नीचे चला गया ना फॉइल से अंदर, तो वो फिर अंदर स्मेल प्रोड्यूस कर देगा, जिस वजह से फिर फौरन फॉइल चेंज कर देती हूँ। तो अभी 2 वीक्स तक फॉइल बिल्कुल जबरदस्त थी, मैं बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि ये भी एक एक्स्ट्रा काम ही है ना, लेकिन खैर उसके बाद फिर आगे आराम होता है कि बस आपने कपड़ा लगाया और आपका चूल्हा जो है वो साफ हो गया।
थैंक यू सो मच. वो बारबेक्यू पिकनिक बॉक्स जो मैंने आपसे शेयर किया था उस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, आपने बहुत अप्रिशिएट किया, आपको पसंद आया. थैंक यू सो मच. मेरे पास और भी बहुत सारे आइडियाज हैं, मैं आपसे शेयर करती रहूंगी. और ये सर्दियों में जो है ना वो इस तरह के काम करेंगे कि हम लेडीज के लिए हैसल फ्री काम हो और ज्यादा टेंशन भी ना हो कि ये समेटना है वो समेटना है और मजे से सब इंजॉय करें. वैसे ये है कि जो टिक्के बनाने होते हैं ना ग्रिल के ऊपर, उसका एक अपना ही अलग मजा होता है. ताजे ताजे गर्मा गर्म वो सर्व होते हैं. और हाँ, ये है कि उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, सामान बहुत ज्यादा ले जाना और वापस लाना पड़ता है, लेकिन फिर उसका मजा भी अलग होता है. लेकिन अगर मैस फ्री किस्म का खाना खाना है, इंजॉय करना है वो भी, तो फिर ये मेरे वाला ये आइडिया भी आप जरूर ट्राई कर सकते हैं. और टू माय सरप्राइज बहुत सारे लोग थे जो इसी फेवर में थे कि हाँ ये ज्यादा बेटर है. मैंने समझा कि सब कहेंगे कि नहीं बस टिक्का हो तो फ्रेश ही हो, बट आप सारे भी मेरे जैसे ही हैं. आज मैंने खाने में ना मसूर की दाल बनाई है और दाल जो है ना वो इतनी हलवा हो गई है. प्रेशर ज्यादा हो गया मुझसे और दाल का जो है ना वो हलवा बन गया. सो आज ये है, अभी मैं गर्म करूंगी. आज काम जो है ना वो काफी सारा है. एक तो तिहामी को पढ़ाने हैं, तिहामी के एग्जाम है ना, तो उसकी रोजाना थोड़ी थोड़ी करके हम तैयारी करते हैं ताकि उसके ऊपर एंड पे जाके बर्डन ज्यादा ना हो. और उसके बाद मैरिनेशन करनी है घर के लिए, फ्रीज करने के लिए. मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया, तो वो मैं आज करूंगी. खाना खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं. इस वक्त ना तकरीबन 1 से 1.5 बजे का टाइम होता है और बहुत सख्त भूख लगी होती है क्योंकि सुबह 5 बजे के उठे होते हैं और 7 बजे तक नाश्ता किया हुआ होता है. 7 बजे से 1 बजे तक तो बुरा हाल हो जाता है. सो मैंने और मिशी ने जल्दी जल्दी खाया खाना और बाकी काम निपटाने से फिर तिहामी को पढ़ाना था. बेटी के लिए कस्टर्ड एप्पल लेके आई हूँ. बड़े दिनों के बाद तिहामी ने खुद कह के फरमाइश की थी कि मामा मेरे लिए कस्टर्ड एप्पल मैंने खाना है. तो ये ऐसा होता है अंदर से करके, इसमें से प्यारे प्यारे अंदर सीड्स होते हैं, ये सारा पल्प है, ये इंडिविजुअल होते हैं सारे ना. तो बहुत मीठा है, मैंगो जैसा मीठा है. मिश यू वांट टू ट्राई? इली लव्स इट, यू गोना लव इट टू. व्हाट्स दिस? अच्छा है ना. मिश यू ट्राई दिस. मिशारी ने फर्स्ट टाइम खाया है कस्टर्ड. ओके बट यू कैन नॉट से दैट टू फूड. इफ यू डोंट लाइक Mishu, if you don't like it, just be quiet and don't eat. Don't say, I don't like it. No. Allah Ta'ala doesn't like it. मिशारी के दो साइड्स आपने एक ही वीडियो में देख ली है, एक जिसमें वो सबको बैठ के बता रहा है कि ब्रोकली खाया करें अच्छी होती है और दूसरे में उसे कस्टर्ड एप्पल खाया नहीं जाता. हालांकि बहुत मीठा होता है लेकिन ना मिशारी को जो स्लाइमी टेक्सचर सा होता है ना, स्लिपरी सा, वो उसको अच्छा नहीं लगता. यही वजह कि वो अंडा नहीं खाता. लेकिन खैर दो चार बार ट्राई करेगा तो फिर उसको आदत हो जाएगी क्योंकि फ्रूट वेजिटेबल्स ओवरऑल ना वो शौक से खाता है. एनीवेज तिहामी को भी मैंने खुद ही जल्दी जल्दी खिला दिया क्योंकि उसको पढ़ाना था और फिर उसके बाद हमारा डे एंड हो जाना था. तो बस ये थी आज की वीडियो. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. और लाइफ बहुत बिजी होती है लेकिन अपनी वीडियो खुद ही बना के बहुत अच्छा सा फील होता है कि अच्छा सारा दिन ऐसा गुजरा था. तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दें, आपकी सारी दुआएं कबूल फरमाएं, हमेशा खुश और आबाद रखें और आपके बच्चों को ढेरों ढेर कामयाबी दें. आमीन. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.